लाइक कैलगरी हमारा घर है, ऑलमोस्ट फ्लाइट जो है वो मिस हो गई थी। हम नहीं रह सकते यहाँ पे, चुप कर रहना यहाँ पे, खिड़की है ब्रो क्लोज़ेट में। शिट, ये तो बहुत अमीरी है। Hey guys, welcome back to our channel. हम पहुंच चुके हैं कैलगरी, ये है हमारा एयरबीएनबी, छोटा सा टू बेडरूम। फ्लोरिडा वाला इतना गंदा ट्रिप था ना हमारा, एयरबीएनबी उतना अच्छा नहीं था वहाँ पे, सो हमने सोचा कि थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करते हैं। $1400 का पड़ा है 9 days, पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये होम टूर की वीडियो है। और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ पहले मैं आपको, फिर हम थोड़ा सा और बात करते हैं। ये देखो व्यू, क्या मस्त बालकनी है और क्या मस्त व्यू है। और वहाँ पे एक्चुअली दिख नहीं रहा इस वाली बिल्डिंग से, बेडरूम से दिखता है, इस वाली बिल्डिंग के पीछे बिल्कुल जो कैलगरी टावर है वो है, और काफ़ी बढ़िया एकदम मिडल ऑफ डाउनटाउन में घर है। ऑलराइट, तो मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी शॉप क्योंकि मेरे को भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। सिमरन जो है वो भी काम कर रही है, आज वर्किंग डे है, आज इनफैक्ट ट्यूजडे है, ये वीडियो आई थिंक थर्सडे को जारी होगी। थोड़ी सी हम बात करते हैं, कॉफ़ी शॉप में बहुत ही पंगा हो गया था, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको बताओगे हमारी ऑलमोस्ट फ्लाइट जो है वो मिस हो गई थी, तो काफ़ी सही पंगा पड़ने वाला था। थोड़ी सी बात करते हैं फिर हम चलते हैं अपने घर, और हम पहली बार घर देखने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, और आपको भी हम पहली बार ही दिखाने वाले हैं। हमने नहीं देखा अभी तक घर, हमें पता भी नहीं क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है। काफ़ी एक्साइटमेंट लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये ना हमारा घर है, लाइक कैलगरी हमारा घर है, सेकेंड होम टाइप की फीलिंग आ रही है हमें कैलगरी से, अब जब घर यहाँ पे यू नो हमें मिलने वाला है। तो चलो अभी मैं कॉफ़ी लेता हूँ और थोड़ी देर में बात करते हैं। ऑलराइट, तो 2 घंटे बैठ के काम करा अंदर, मैं कर नहीं पाया कि क्या हुआ था हमारे साथ एयरपोर्ट पे। सो हमारी बेसिकली फ़्लाइट थी 6:00 सुबह मॉर्निंग में, एंड इट वाज मंडे, सो हमने अलार्म लगाया था 3:30 का कि उठेंगे तैयार होंगे चले जाएंगे आराम से, एंड हमारी नींद खुली 4:43 पे, और फ्लाइट थी 1.25 घंटे के अंदर, हम भागे 10 मिनट के अंदर अंदर हम रेडी हो गए, एंड सारा कुछ सामान ले गए, इतनी एफिशिएंटली हम एयरपोर्ट पे पहुँचे 5:12 पे, एंड थैंक गॉड फ्लाइट जो थी वो 1/2 घंटा डिलेड थी, जिसकी वजह से हमारी फ़्लाइट पकड़ी गई एंड हम पहुंच गए। बट हमें लग रहा था कि फ़्लाइट आज मिस हो जाएगी एंड फिर से लेनी पड़ेगी, बट एनीवेज इवेंचुअली वी आर इन कैलगरी। अभी मैं जा रहा हूँ सिमरन को पिक करने, उसका काम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम नए घर जाएंगे और होम टूर आएगा, लेट्स गो। यो व्हाट्स अप, रेडी? यस। वाह स्मार्ट स्मार्ट बन गए, अरे होम टूर करने। यस, घर देखने जा रहे हैं, लेट्स गो। Alright, तो हम पहुंच चुके हैं अपने घर, ये रहा हमारा घर, ये वाला ना? Yes. वो रहा हमारा घर। अभी हम अंदर जाएंगे और या पीछे जो है वो पॉन्ड है वैसे, बट पॉन्ड जो है अभी तो फ्रोजन है, फ्रोजन है अभी, तो यू नो वो उतना कुछ नहीं है। चश्मा कैसा लग रहा है मेरा? बहुत स्मार्ट लग रहा है। बहुत सारे वैसे खर्चे नहीं है। चलो तो अभी अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है, कुछ कुछ हम चीजें भी बताएंगे क्या क्या यू नो हमने चीजें ठीक करानी है। एक्चुअली होम टूर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, बट दिस इज फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ यू नो कि क्या क्या अपग्रेड्स कराना चाहिए, एंड दिस इज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसलिए हमने वी हैव नॉट गॉन फॉर द हाईएस्ट अपग्रेड्स, वी हैव गॉन फॉर द मीडियम लेवल की जो घर की क्वालिटी भी बढ़ाए और हमारी पॉकेट पे भी इतना भारी ना पड़े। और हमारा जो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है इस वाले घर के साथ, तो दैट ऑल द अपग्रेड्स दैट वी डिड दैट वाज मीटिंग दैट ऑब्जेक्टिव, राइट? सो वो वाली चीजें हम अंदर जाके थोड़ा सा बताते हैं, सो लेट्स गो एंड डू द होम टूर। ऑलराइट, ये रहा घर फॉर सिमरन। तो बेसिकली हमारा जो घर है वो सेमी डिटैच्ड है, यहाँ पे भी एक घर है, यहाँ पे भी एक घर है, हम सिर्फ ये वाला ओन करते हैं। चलो अंदर चले। सिमरन ने भी घर ये पहले नहीं देखा था। So, ये आई थिंक पाउडर रूम है,
पाउडर रूम में लाइट नहीं जला रहे हैं क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि बंद कैसे होता है. ओह स्लाइडर डोर है यहां पे. दिस इज आई थिंक अ स्मॉल क्लोजेट. हां दिस इज अ स्मॉल क्लोजेट टाइप ऑफ क्लीनिंग वगैरह के लिए. वी हैव टू रूम क्लोजेट्स हियर. वाओ देखिए सर हमारे किचन वाले कहते हैं भी होगी. और ये जो है डोर आई थिंक बेसमेंट में जाता है. यस आई थिंक सो टू. यस राइट. एंड दिस इज द किचन. एंड दिस इज द बैटरी. ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया ब्रो. हां हां इसमें ऑटोमेटिक लाइट लग गई थी. देखो तो कितने का अपग्रेड है. कितने का? $50-$60. तो अपग्रेड जो है ना इस वाले घर में जैसे ये हमने कराया है ठीक है ये $200 का अपग्रेड है सिर्फ. जबकि ये वेरी फैंसी ये किचनर ना किसने की थी यार. किचनर में हमने जो भी अपग्रेड कराने के लिए पूछा था ना वो कोई भी $800-$900 से मिनिमम. ये तो ज्यादा का होगा वहां पे. ये $227 का अपग्रेड है. और सिंक भी हमने देखो आप देखोगे एक ब्लैक कलर का सिंक है. दिस इज लाइक $400 $447 का सिंक अपग्रेड कराया. और ये अंडर माउंट कराया इसको ऐसे करके. और ये भी अपग्रेड हमने इसकी जो ये वेन्स हैं ये भी अपग्रेड कराई हैं. ये $200 का अपग्रेड है. जो ये अप्लायंसेज हैं वो सारे इनबिल्ट हैं. ये थे उसके अंदर बट ये हुड लगवाया और ये हुड पूरा जो लगा है ये आई थिंक $1200 या $1500 का अपग्रेड करा है. वैसे क्या होता है माइक्रोवेव जो होता है वो इसके ऊपर एक ऊपर लगा होता है लेकिन सोना इनबिल्ट. अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कोई ड्रॉर हटा के माइक्रोवेव को इनबिल्ट कर दिया है. सो दिस इज अ बिग अपग्रेड. इट लुक्स वेरी फैंसी. अगर ये हम अपग्रेड किचनर में करा रहे थे ना दिस द होल जस्ट थिंग दिस वाज कॉस्टिंग अस अराउंड $5,000 बिकॉज दिस इज ऑल्सो एक्सपेंसिव. माइक्रोवेव फिर यू नो जो प्लान है उनका वो निकाल रहे थे. एंड देन टू हैव दिस काइंड ऑफ अ होल्ड This upgrade here is way cheaper than. I think it total hai $2,000 ka pada hai including isko inbuilt karana and ye pura karana and jo backsplash hai wo upar tak jana because agar wahan pe cabinet hogi aane wale upgrade pe to ye wali jo backsplash hai ye wala upar tak nahi jayega right. To ye sab karane ka $2,000 ka package. Yahan pe $2,000 lage aap kitchen mein hum hi karate. This was costing us over $12,000. This is the dining room basically. तो हमने ये भी lights upgrade कराई हैं. इसमें कुछ upgrade नहीं था. ये $100 की extra पड़ गया. और यहाँ पे एक जो चीज हमने miss कर दी वो ये है कि गाड़ी हमारी बाहर लगेगी और ये खुल नहीं रहा. A few moments later. तो basically ये ना अभी खुल नहीं रहा. लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे स्टेयर्स लगनी है. तो ये हम जब तक यहाँ पे हैं काफी नीचे है क्योंकि ये और गाड़ी जो है वो बाहर लगती है. तो गाड़ी अगर बाहर लगी तो जो बंदा आएगा उसको ऑल द वे आगे से आना पड़ेगा. अभी फिलहाल तो ये चीज ना हमारी रह गई तो ये हम करा देंगे. अभी बिल्डर ये अपग्रेड नहीं देता ये वाला. फेंसिंग भी बाहर कराएंगे जब गर्मी आएगी क्योंकि अभी तो स्नो है तो अभी फेंसिंग कराने का कोई पॉइंट नहीं है. और ये जितने भी नॉब्स हैं ये सारे चेंज हुए हैं. आई थिंक हमारे $600 लगे पूरे घर के जो नॉब्स हैं वो हमने ब्लैक करा लिए. जस्ट ब्लैक थोड़ा क्लासी लगता है तो उस चक्कर में हमने ब्लैक करा लिया. ऊपर चले. यस आई फॉलो यू. लेट्स गो. अच्छा यहाँ पे ना पिकेट्स भी लगा सकते हो जो रॉड वाले होते हैं ना वो भी कर सकते हो. वो अपग्रेड था हमने कराया नहीं वो क्योंकि छोटा सा ही है हमारा ऊपर जाने का रास्ता. अच्छा ये पूरा जो था ये कारपेट था हमने कारपेट से ही चेंज कराया. दिस कॉस्टेड अस आई वोंट से अ लॉट बट दिस वाज लाइक टोटल मिला के $3,000. ये भी कारपेट था वहां पे. एंटरटेनमेंट एरिया है यहाँ पे लगेगा टीवी. समवेयर है टीवी लगेगा. देख लाइट्स अच्छी वाली लगी है देख. ये भी अपग्रेड कराएंगे. दिस इज आल्सो एन अपग्रेड. यूजुअली बिल्डर की लाइट्स आर वेरी वियर्ड लुकिंग नॉट सो गुड. ये वॉशर एंड ड्रायर है. हम नीचे जो टाइल्स हैं यहाँ पे अपग्रेड नहीं कराई बट बाथरूम में अपग्रेड कराई हुई है. सो यहाँ पे टाइल्स के हिसाब से वाइट है. सो जिस हिसाब का फ्लोर है उसी हिसाब से हमने टाइल्स मतलब वो भरा है. जैसे आप ये वाला बेडरूम देखोगे दिस इज आई थिंक द मास्टर बेडरूम. काफी अच्छा साइज है. एंड इसके अंदर भी हमने ब्राउन ये वाइट था जब हम प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन पे आए थे मतलब ब्राउन करा दिया. अंदर ना मूव करने का खिड़की है ब्रो क्लोजेट में. ओह शिट ये तो बहुत अमीरी है. व्यू है क्लोजेट में. व्यू है क्लोजेट में सीधा सामने पॉइंट का बेडरूम बना दिया. अच्छा ये देख यहाँ पे भी ना टू सेव स्पेस कितना सही है. पॉकेट लाइट ऑन कर. ये भी अपग्रेड्स हैं. अपग्रेड्स का सारा हम बताएंगे कितने के हुए हैं.
ये भी सारा क्वार्ट्ज कराना हमने, बट दिस वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आई थिंक 200-300 का। नीचे टाइल्स जो है हमने ना थोड़ी लॉन्ग वाली कराई है, एंड कैबिनेट्स के जो हैंडल्स हैं वो ब्लैक करा दिए। ये जो टाइल्स है ये $400 का अपग्रेड है, जो हमने कितने का मेरिकल $2,000-3,000 खर्च करे हैं ऐसे वाले अपग्रेड पे ऑन्टेरियो के अंदर, जो कि यहाँ पे $400 का अपग्रेड था। जैसे ये होती हैं टाइल्स, जो नीचे टाइल लगी हैं यही हम ऊपर भी लेंगे टाइल्स, देखो आप वहां पे देखोगे तो ये भी अपग्रेड होता है, ये कोई $200-250 का। टोटल मिला के अपग्रेड इतने ज्यादा सस्ते थे यहाँ पे कि हमने काफी सारे करा लिए, जिससे हमारी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो घर की। That's a pretty big closet. हमारे जैसे नीचे है वैसे ऊपर होगी किचन में। This is the second washroom. हमने सेम ही कराया सब कुछ। One of the coolest upgrades is this ये backsplash and sinks. ये भी ऐसे कोई $100 का upgrade है। ये मैंने कहीं देखा ना, I love this pattern, herringbone वाला जो pattern है, especially these styles. Herringbone pattern. Yeah. और ये देखो, जैसे हम जो ये common bathroom है, इसमें हम सोचते रहे थे कि upgrade नहीं कराएंगे, बट इतना सस्ता था, ऊपर भी टाइल सेम कराने का तो वो अच्छा लगता है। I like these lights as well. हाँ, ये lights भी, these are not upgrades, हमारे option. Basic है ये. ऑप्शन मिली थी ऑफ सिल्वर वाला जो होता है। ओह ओके। आई लाइक दिस। या फिर ब्लैक, तो हमने ब्लैक ही करा लिया क्योंकि बाकी सब ब्लैक है ना। नाउ दीज आर टू बेडरूम्स, डीसेंट साइज्ड, बहुत बड़े नहीं है। आई थिंक यहाँ पे क्वीन साइज बेड आएगा, क्वीन साइज बेड अभी भी आ जाएगा, डबल बेड आएगा, डबल बेड आएगा, छोटा ही वाला बेडरूम। इसकी भी क्लोजेट अबिच। हां, ये भी क्लोजेट काफी बड़ी है इसकी। क्लोजेट है ये भी। आई थिंक सर इधर क्वीन साइज बेड आ जाएगा, बट और कुछ नहीं आएगा, क्वीन साइज बेड और दो वो आएंगे सामने, बट खिड़की के नीचे आएगा। एंड दिस इज द थर्ड बेडरूम, इसके अंदर भी सेम साइज है बेडरूम, और इसके अंदर वॉक इन क्लोजेट नहीं है, इसके अंदर नॉर्मल क्लोजेट है। दिस कैन बी एन ऑफिस या बेबी रूम या कुछ ऐसा हो सकता है ये वाला। इट्स कॉल्ड अ नर्सरी। नर्सरी, ओके। मेरे को ये बेस्ट फीचर लगा है सर का, ये जो एंटरटेनमेंट रूम है, ये इट्स लाइक यहाँ पे एल शेप सोफा आ सकता है, या फिर वहां पे एल आ सकता है, और यहाँ पे टीवी लग जाएगा, बहुत सुंदर रहेगा, हम नहीं रह सकते यहाँ पे। और ये व्यू है। चलो अब चलते हैं बेसमेंट देखने। तो ये है बेसमेंट का दरवाजा, और सीढ़ियां लगी हुई है, बड़े फिनिश कर दी है ना। देयर इज अ स्टेप बेसिकली, ऐसा नहीं कि बिना स्टेप किए। नॉट बैड। तो यहाँ से बेसिकली साइड एंट्रेंस है। अच्छा, एक चीज जो बहुत ध्यान, अगर आप ले रहे हो घर, तो नीचे यहाँ पे ना कारपेट था, तो हमने सीढ़ियों पे कोई भी कारपेट नहीं रखा, और इतनी स्लिपरी है नहीं। इट्स अ हाई ट्रैफिक एरिया, तो बेटर रहता है कि आप कारपेट। तो मेरी बात में कारपेट बहुत गंदा हुआ, प्लस ये रेंटल प्रॉपर्टी है, अगर खुद रह रहे हो तो डिफरेंट होता है, रेंटल प्रॉपर्टी है तो डिफरेंट। एंड पता है, एक बार हम लोग जब नए नए आए थे, हम किसी घर की बेसमेंट देखने गए थे अपने रहने के लिए, the ugliest thing in that house was the carpet जो स्टेयर्स पे था, इतना गंदा था, वो इतनी मिट्टी थी उसमें कि मैं वहां एक मिनट भी नहीं रुक सकती थी। एंड जस्ट दैट मेरे को ना ट्रॉमा हो गया था कि रेंटल हाउस में कभी भी कारपेट सीढ़ियों में नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमने जो लाइट्स हैं हर जगह पे अपग्रेड कराई हैं, क्योंकि एक ही बार करानी होती है। एक चीज जो मेरे को अच्छी नहीं लगी यहाँ पे, वो ये है कि जो मीटर्स हैं वो अलग अलग नहीं है, तो जो यूटिलिटी बिल आएगा वो सेम आएगा, एंड वो शेयर्ड होगा दोनों में, दोनों यूनिट्स में। By the way, basement legal है एकदम। Let's go inside the basement. एक और चीज जो बताना मुझे था, spotlight सारी included है, builder ने include करके दी है, so this is not an upgrade, वैसे upgrade होता है काफी सारी। And ये self-closing door. वाह वाह वाह। ये है किचन। This is a very nice kitchen. You know what? This is like one of the most upgraded cooktop in glass वाला उसमें, क्योंकि इसके अलावा panel है वो front में है। सारे अप्लायंसेस जो हैं सब वारंटी के साथ वहाँ पे पड़ी है, वारंटी बुकलेट, और सारे व्हर्लपूल के अप्लायंसेस हैं, व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे हमने अपने सिंक्स वगैरह अपग्रेड नहीं कराए, बिकॉज बेसमेंट थी। अगेन इट्स एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड वी आर गोना स्टे हियर, सो ये दिस इज द लिविंग रूम। यहाँ पे आई थिंक टीवी का पॉइंट है वहाँ पे, एंड दिस इज वेरी मैसिव एक्चुअली। या दिस इज अ गुड साइज बेसमेंट, काफी बड़ा वो है। दिस इज द वॉशर ड्रायर है ना।
दिस इज दी वॉशर ड्रायर ऑफ द बेसमेंट. सो मतलब अब मास्टर के लिए अलग है, जो मेन फ्लोर है उसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है. सो द रेंटर्स डोंट नीड टू सी ईच अदर. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज हालांकि मीटर्स जो बिल है वो सेम आएगा, बट अलग से यू नो यू कैन एक्चुअली रेगुलेट ऊपर और नीचे का टेम्परेचर अलग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ठंड होती है एंड हम लोग बेसमेंट में रह रहे हैं, तो जब हमारे को बहुत ठंड लगती थी ऊपर गर्मी होती थी. सो टू रेगुलेट दैट दिस इज एन अमेजिंग थिंग दैट इट्स हियर. स्टैंडर्ड बाथरूम सब कुछ स्टैंडर्ड है. हमने जो ऊपर था वैसे के वैसे नीचे कराया, जो अपग्रेड नीचे टाइल्स वगैरह सारी अपग्रेड करा दी थी. दिस आई थिंक इज द लिनन क्लोजेट, काफी बड़ी है. It's a full size linen closet. Karen आके realize हुआ कि linen closet का कितनी importance है. हाँ. मतलब Karen आने से पहले अगर लाइक चदरे वगैरह के लिए special निकल मर. नहीं सेटी होती थी और वो. हाँ, but having linen closet such an important thing. Convenience अच्छी आती है ना, मतलब खोला और निकाल ली. Yes. Pretty big bedroom. I think यहाँ पे king size bed आ सकता है. Queen size बहुत easily आ गया. But king size आ जाएगा with the side table. It's very nice and यहाँ एक बड़ी सी window है. पीछे साइड वाला घर है एंड दिस इज द क्लोजेट. इट्स अ डीसेंट साइज क्लोजेट. आई थिंक एक जो मेरे को लगता है हमने गलती कर दी बेसमेंट में ना, हमें ये भी हार्ड वो लैमिनेट कराना चाहिए. सारा ही लैमिनेट कराया था बेसिकली. चलो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे. दिस इज द बेसमेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स इज कि हमारा घर वहां से है, पैदल का अराउंड 1 मिनट 1.5 मिनट का पैदल है. एंड यहाँ पे मार्केट है जहाँ पे डेंटल है, आई कैन सी अ कपल ऑफ रेस्टोरेंट्स, एसओ का पेट्रोल पंप है, लावा ग्रिल एक और रेस्टोरेंट, 7-Eleven है. सो ये बिल्कुल मतलब एकदम यू नो लाइक 1-1.5 मिनट्स का या 2 मिनट्स का वॉक है, जिसके अंदर ये सब कुछ यहाँ पे है, जो छोटी मोटी चीज़ें और भी काफ़ी बड़ा है ये पूरा जो सेंटर है, और काफ़ी सारी दुकानें वहाँ पे भी खुल रही हैं अभी. एंड क्योंकि अगर ये एसओ खुल गया ना यहाँ पे, तो ये सारा डेवलप होगा अभी, तो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया बढ़िया खुलेगा. एंड ऑनेस्टली दिस इज समथिंग दैट आई डिडंट नो जब हमने करा था. मेरे को पता था यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनेगा विच इज़ दिस, बट मेरे को ये नहीं पता था कि यहाँ पे एसओ का पेट्रोल बनेगा. तो ये थोड़ा सा लक साथ दे गई यहाँ पे. बढ़िया, दिस इज़ गुड. ये एरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, सारे घर यहाँ पे बन चुके हैं. जब मैं यहाँ पे आया था सब कुछ नहीं बना हुआ था यहाँ पे, तो ये सब खाली था. और अगर आपको देखना है कि और कितना ये सीटन एरिया डेवलप्ड है, तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. डू वॉच दैट वीडियो, जिसके अंदर हम वाइब्स नहीं दिखाते हैं, जिसके अंदर हॉस्पिटल दिखाते हैं. रेंटल की जो डिमांड है वो मैं अगले यू नो उसमें बताऊंगा. इट्स क्रेजी, लाइक क्रेजी रेंटल डिमांड है यहाँ पे, तो वो मैं अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे. सर दिस इज आवर होम. तो अभी हमें इसको रेंट पे चढ़ाने के लिए 2-3 चीजें तैयारी करनी है. एक तो ब्लाइंड्स लगने हैं, यहाँ स्टेप्स लगने हैं किचन के बाहर. जो नंबर्स हैं ये लंबी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो जो नंबर्स हैं वीडियो कितने का हमने घर खरीदा, बहुत सारे लोगों को पता है 500,000 का घर खरीदा था, बट कैसे मॉर्गेज हुई, कितने की मॉर्गेज हुई, क्या हमारे नंबर्स हैं, कितने का रेंट चढ़ रहा है, कैसे रेंट चढ़ रहा है. आई थिंक देर आर सम अमेजिंग रिसोर्सेज जो मेरे को यहाँ पे आके पता चले, जो हम अगली वीडियो में बताएंगे कि हम कैसे वेट कर रहे हैं यू नो जो टेनेंट्स हैं उसको, सो दैट व्हेन यू आर buying a rental property you know you have all those resources. to wo kyunki thodi lambi ho jayegi video to wo agli video mein batayenge. next video, that's all we have for today. milte hain agli video mein, tab tak ke liye bye bye.